में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। राहुल गांधी का इस वक्त का बड़ा बयान, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ये वक्त मोदी से नहीं, वायरस से लड़ने का, ये कहना है राहुल गांधी का। अभी कमियां निकालने का सवाल नहीं, राहुल गांधी का बयान, अभी कमियां निकालने का सवाल नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी मीडिया से रूबरू हुए लाइव के जरिए, और मैं मोदी की कई बातों से असहमत हूं, साथ ही साथ सरकार पर निशाना तो उन्होंने साधा, लेकिन एक बात जरूर कही कि ये वक्त मोदी से नहीं, वायरस से लड़ने का है। रणनीति बनाकर साथ लड़ना होगा। राहुल गांधी का बयान, बड़ी खबर। ये वक्त मोदी से नहीं, वायरस से लड़ने का है, ये कहना है राहुल गांधी का। अभी कमियां निकालने का सवाल नहीं, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने का वक्त है, कोरोना से लड़ने का वक्त है। मैं मोदी की कई बातों से असहमत हूं, लेकिन इस वक्त एकजुट होने की जरूरत है, एक साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने की जरूरत है, ये कहना है राहुल गांधी का। रणनीति बनाकर सबको साथ लड़ना होगा। तो इस वक्त तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं सरकार के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं, उनका कहना है कि इस वक्त सरकार में कमियां निकालने का वक्त नहीं है, इस वक्त कोरोना से एकजुट होकर लड़ाई का ये वक्त है। पूरे देश को एक साथ आना होगा, तमाम पार्टियों को एक साथ आना होगा कोरोना से लड़ने के लिए। अब राहुल गांधी का बयान आया है कि मैं मोदी की कई बातों से असहमत हूं, लेकिन ये वक्त साथ मिलकर लड़ने का है, एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, रणनीति बनाकर एक साथ चलना होगा। ये वक्त मोदी से नहीं, वायरस से लड़ने का है, ये कहना है राहुल गांधी का। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ा बयान राहुल गांधी का। अभी कमियां निकालने का सवाल नहीं है, अभी एक साथ चलने का वक्त है। मैं मोदी की कई बातों से असहमत हूं, लेकिन इस वक्त एक साथ लड़ना होगा।